हेलो एवरीवन, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। तो आज है दिन संडे और तारीख बता देती हूँ। तो आज है 31 मार्च और सुबह के सारे काम हो चुके हैं, नहाना धोना, पूजा पाठ, साफ़ सफाई। और मैं यहाँ पर नाश्ता बना रही हूँ और टाइम बता देती हूँ। आज टाइम हो रहा है अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। तो मैंने एक तरफ दूध जो है बॉयल करने के लिए रख दिया है और दूसरी तरफ मैं तवा पे ब्रेड सेक रही हूँ विहान के लिए। तो ब्रेड ज़्यादा तो नहीं है, कल का ये ब्रेड था, बस दो ही बचे हैं। तो मैं उसको सॉस लगा करके दे दूँगी। और आज ना मैं नाश्ते में फ्रूट चाट बनाने वाली हूँ। तो पहले उसको मैं सैंडविच दे दूँ जिससे कि वो खाता पीता रहे, फिर उसके बाद मैं फ्रूट चाट बनाऊँगी। तो देखिए, मैंने ब्रेड को ना घी में सेक लिया है, बटर नहीं था। और इसके ऊपर थोड़ा सा केचप लगा देंगे, टोमेटो केचप है ये। और फिर केचप को ना थोड़ा सा स्प्रेड कर देंगे, पूरे ब्रेड में अच्छे से फैला देंगे। फिर इसके ऊपर मैं खीरा के कुछ टुकड़े रख दे रही हूँ, एक दो स्लाइस प्याज के रख दूँगी। थोड़ा सा काला नमक ऊपर से डाल दूंगी और थोड़ा सा चाट मसाला, तो बहुत ही टेस्टी लगता है, चाय से भी अच्छा लगता है और बिना चाय के भी। तो वैसे तो आज मैं यही बनाने वाली थी लेकिन ब्रेड ख़त्म हो गई है, इसीलिए फिर मैंने सोचा लो फ्रूट चाट बना लेते हैं। और मैंने ना फ्रूट चाट के लिए सुबह ही मतलब नहाने जाने से पहले ही मैंने चने को बॉयल करने के लिए रख दिया था। तो बस मुझे फ्रूट कट करके उसमें मिलाना है। तो बस अब मैं फ्रूट कट कर ले रही हूँ। और अभी ना मैंने सुबह ही फ्रूट ये मंगाए थे, अनार है, एप्पल है और केला है। मैंने ऑरेंज भी मंगाया था लेकिन ऑरेंज जो है नहीं मिला। तो फ्रूट को अब मैं कट कर ले रही हूँ, चना भी बॉयल है। बहुत ही जल्दी फ्रूट चाट बन जाता है। और उसमें ना मैं क्या क्या ऐड करूँगी जिससे कि वो और टेस्टी हो जाता है खाने में, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो बहुत ही हेल्दी रेसिपी है, क्विक रेसिपी है, झटपट बनने वाली। तो बहुत टाइम से नहीं बनाई थी, आई थिंक मुझे लग रहा है एक साल पहले बनाई होगी। और अब मैं बनाने जा रही हूँ तो हस्बैंड जी को भी ये बहुत पसंद है। और देखिए, मैंने अनार के दाने जो हैं छुड़ा लिए हैं, एप्पल भी कट करके रख लिया है, अब केला जो है कट करके रख लूँगी। तो मैंने केला कट कर लिया, एप्पल कट कर लिया, उसको मिला दिया है और उसमें मैंने बॉयल चने डाल दिए। और फिर उसके ऊपर से मैं ये अनार के दाने डाल दे रही हूँ। और इसमें थोड़ा सा काला नमक डालेंगे, थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे और एक चम्मच शहद डालेंगे और सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी लगता है, हेल्दी भी होता है और इसी बहाने हम फ्रूट्स भी खा लेते हैं और पेट भर जाता है। तो इसको खाने के बाद ना 2 घंटे तक भूख नहीं लगती है, थोड़ा हेल्दी भी होता है, सॉरी हेल्दी बोल रही हूँ, ये थोड़ा हैवी भी होता है, जल्दी भूख नहीं लगती इससे। तो आप लोग भी एक बार इसे ट्राई करिएगा। और नाश्ता वगैरह होने के बाद ना अब करनी है थोड़ी सी डस्टिंग, जो कि डाइनिंग टेबल पर जो मैंने फ्रूट्स वगैरह मंगाए थे ना मॉर्निंग में, उसको मैं खाली कर दे रही हूँ, पॉली बैग से निकाल दे रही हूँ, इस बास्केट में रख दे रही हूँ। पॉली बैग को रख दूँगी अच्छे से, कभी कभार काम आ जाता है कुछ रखने के लिए। और कोलीन से अच्छे से डाइनिंग टेबल की डस्टिंग कर रही हूँ। वीक में मैं एक दिन कोलीन से अच्छे से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि खाने वगैरह के दाग वगैरह ना दाल वाल के लग जाते हैं, जल्दी छूटते नहीं हैं, कोलीन से अच्छे से साफ़ हो जाता है।
और विहान जो है कुछ थोड़ा ज़्यादा ही गिरा गिरा के खाता है, उसकी आदत है, जो खाएगा वो गिराएगा ज़रूर। और कुछ चीज़ें ना टेबल में चिपक जाती हैं तुरंत, हैंड के हैंड अच्छे से साफ़ नहीं किया तो सूखने के बाद वो ना अच्छे से छूटती भी नहीं है। इसीलिए मैं कोलीन से, ये साइड साइड में भी कुछ दाग लगे हुए थे खाने के ही थे, तो उसको साफ़ कर रही हूँ। और इसके बाद ना स्पीकर पे भी डस्ट आ गई थी, तो इसको मैं साफ़ कर रही हूँ। 1 वीक से मैंने ये सब डस्टिंग नहीं की है स्पीकर वगैरह की। आज संडे है तो मैंने सोचा लाओ थोड़ी बहुत डस्टिंग कर देती हूँ, वैसे झाड़ू पोछा मुझे करना नहीं है, सुबह मैंने कर लिया था। और उसके बाद ना मैं यहाँ पर प्लांट्स में पानी डाल रही हूँ, तो ये स्प्रे बॉटल है, बहुत ही अच्छी बॉटल है, इसमें 2-3 तरह से पानी निकलता है, स्प्रे करके भी निकल जाता है, एक फ्लो में भी सीधा निकल जाता है, बस थोड़ा सा इसे पंपिंग करना पड़ता है, जिसमें थोड़ी मेहनत भी लगती है और थोड़ी एक्सरसाइज भी हो जाती है हाथ की, और हाथ जो है दर्द होने लगते हैं पंप करते करते, लेकिन प्लांट्स की ना अच्छे से धुलाई हो जाती है। और गर्मियों में प्लांट्स को धोना, थोड़ा सा वॉश करना बहुत ही ज़रूरी है, जिससे कि वो हरे भरे रहें और उस पर डस्ट जो है इकट्ठी ना हो। और प्लांट्स में पानी डालने के बाद ना मैं यहाँ पर डोरमैट धो रही हूँ, तो ये 2 डोरमैट हैं, किचन के हैं, ये किचन में मैं इसे यूज़ करती हूँ, तो ये काफ़ी गंदे हो गए थे, कई महीनों से मैंने धुले नहीं, कई महीनों से क्या 3-4 महीने हो गए होंगे, दिवाली के टाइम पर सब धुले थे। इतना टाइम ना हो ही जाता है जितना भी घर साफ़ कर लो, अगर साफ़ करने बैठो ना घर को तो पूरा दिन कब निकल जाए पता ही नहीं चलता, फिर भी कुछ ना कुछ सफाई करने के लिए रह ही जाता है। और दूसरा है किचन का काम, किचन में खाना बनाने वाला साफ़ सफाई का काम भी दिन भर करते रहो, दिन भर चलता रहेगा, ये सब काम ना ख़त्म ही नहीं होते हैं। और इसी तरह ना कहा जाता है कि होम मेकर्स की लाइफ में आराम कहाँ होता, दिन भर हम लोग काम ही में उलझे रहते हैं। और ये सब करने के बाद ना मेरा एक ये कुर्ती है जो कि थोड़ी लूज़ हो रही थी, तो मुझे ना इसे थोड़ा सा टाइट करना है, क्योंकि लूज़ कुर्ती पहनो ना तो फिर उतना अच्छा लुक नहीं लगता। और तो बस इसी को मैं टाइट कर रही हूँ, और विहान भी यहीं पर बैठा हुआ है। बच्चों के साथ मशीन निकालना ना और सिलाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बच्चे बार बार मशीन को छूते हैं, जिनके यहाँ छोटे बच्चे होंगे वो इस चीज़ को रिलेट कर सकते हैं। और पूर्वी को मैंने सोफ़े पर बैठाया है, तो वो भी नीचे उतरने के लिए, मशीन छूने के लिए बेचैन है कि कब नीचे उतरें, तो बस जल्दी से मैं ये काम निपटा ले रही हूँ। उसके बाद फिर मैं दिन का लंच बनाऊँगी, वैसे तो भूख नहीं है लेकिन फिर भी बनाना ही पड़ेगा, विहान को खाना है, हस्बैंड जी को खाना है, तो जल्दी से ये काम मैं निपटा ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स यही था आज का व्लॉग, इस व्लॉग को यहीं पर एंड करेंगे। अगर आप मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं तो प्लीज़ मनी रियल व्लॉग को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, अगर ये व्लॉग पसंद आया है तो व्लॉग को लाइक ज़रूर करिएगा, चाहें तो फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर सकते हैं। इस उम्मीद के साथ इसी व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करूँगी कि आज का व्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। फिर से मिलेंगे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बी हैप्पी।